हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं FCI मेन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेरीज मैं आप लोगों के दूर करूंगा और सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकती है, रिजल्ट डेट क्या होंगे और स्किल टेस्ट के डेट जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं, वो आ गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बात करूं एक्सपेक्टेड कटअप की। FCI के जो मेंस के एग्ज़ाम हुए थे वो 27 जुलाई को कराए गए थे और स्किल टेस्ट नॉर्थ जोन का बचा हुआ था। चूँकि जम्मू एंड कश्मीर के जो इशू थे उसके कारण नॉर्थ जोन के स्किल टेस्ट नहीं हो पाए थे, जिसका डेट दे दिया गया है। आप लोग नोटिफिकेशन जाके देखें वेबसाइट पे और आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लें। 28 सितंबर को इसके डेट दे दिए गए हैं, हिंदी टाइपिस्ट के और स्टेनो के सारे स्किल टेस्ट के डेट दे दिए गए हैं और ये 28 सितंबर को कंडक्ट कराए जाएंगे और इसके एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा वीडियो को, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि FCI की अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो आप देखोगे जब एग्ज़ाम्स हुए तो एग्ज़ाम में बहुत सारे मिसमैनेजमेंट देखने को मिले। ड्यूरिंग एग्ज़ाम अटेंडेंस बनाने के लिए आप लोगों के पास आया गया, काफ़ी मिसमैनेजमेंट देखा गया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं खुद जानता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जब FCI मेंस के जब एग्ज़ाम्स जब ख़त्म हुए तो मैंने देखा कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स काफ़ी मायूस थे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो लेवल इतना अच्छा लेवल था, हाई लेवल एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पूछे गए कि बच्चे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए और ड्यूरिंग मिसमैनेजमेंट वो उसका भी कुछ परफेक्ट इफ़ेक्ट पड़ा, ताकि बच्चे उससे भी घबरा गए और ज़्यादा नहीं कर पाए। तो मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ, हो सकता है बहुत सारे के अटेम्प्ट्स इससे ज़्यादा हो तो दी बेटर, जा अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल ऑथेंटिक बात करूँ, बहुत सारे बच्चे निकलते और बोल देंगे कि 112 मारा, 110 मारा, तो वो ऐसा नहीं होता। तो FCI मेंस की जो गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ मैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 70 से 80 के बीच में भी जिनका अटेम्प्ट अगर है फुल एक्यूरेसी के साथ 90 to 100% के बीच में ही अगर आपका एक्यूरेसी है तो ये गुड अटेम्प्ट 70 to 80 के बीच में गुड अटेम्प्ट मैं मानता हूँ। अपना फुल एनालिसिस के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ। और कटअप की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो मेंस की जो कटअप है ये जनरल कैटेगरी की मैंने ली है। जनरल कैटेगरी की कटअप जो है वो 60 से 65 के बीच में रहेगी, अप्रॉक्स 65 के। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे होगा, कटअप हाई जाएगी? जी हाँ, कहाँ हाई जाएगी, जहाँ नंबर ऑफ सीट जो है वो कम है। और ये मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। तो पेपर 2 के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ कि इसकी जो कटअप है वो 60 से 65 के अप्रॉक्स में जाएगी एक्चुअल। और अगर कोई बोलेंगे 80 जाएगी, 90 जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 80 अप्रॉक्स जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया, वो ज़्यादा नहीं बना पाए। हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, वे भी 90 के अप्रॉक्स जाते जाते उन्होंने उनसे ज़्यादा नहीं कर पाए। तो इसकी जो कटअप की बात करूँ तो नॉर्थ जोन में तो 60 to 65 के अप्रॉक्स रहेगा जनरल कैटेगरी की, और ईस्ट जोन, वेस्ट जोन जहाँ पे सीट कम है वहाँ थोड़ी जो इसकी कटअप है वो बढ़ेगी। एक्चुअली कटअप के रिगार्डिंग मैं वीडियो इसलिए भी नहीं ला रहा था क्योंकि जब PT के जो रिजल्ट्स आए वो PDF फॉर्म में आए और अभी तक मार्क्स का कुछ पता नहीं है, तो किसे लिया गया, कितने नंबर पे लिया गया, किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ, वो क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए क्लियरली अभी भी नहीं बताया जा सकता कि इसके कटअप क्या जाएंगे और कितने रह सकते हैं। तो लेकिन एक अनुमान माना जा सकता है कि ये 60 to 65 रहेंगे। जिस जोन में वैकेंसी कम है तो वहाँ पे कटअप थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो थोड़ी ज़्यादा इट मीन 70 के अप्रॉक्स जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी फ्रेंड्स। और जो रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट अभी तक आ जाता बट नहीं आया, क्योंकि स्किल टेस्ट नहीं हुआ था, स्किल टेस्ट नॉर्थ जोन के पेंडिंग थे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सारे के सारे पोस्ट के जो रिजल्ट हैं वो एक बार ही आएंगे, और रिजल्ट चूँकि स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग है, स्किल टेस्ट का रिजल्ट उसी समय आ जाएगा, तो इसलिए सारे के रिजल्ट जो है आपको 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर के पहले आपको ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आप श्योर रहो कि आप उसके बाद ज़्यादा आप लोगों की रिजल्ट्स जो हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स तैयार हैं, बस स्किल टेस्ट हो जाए, उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा वेरिएशन आएगा, उसके बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं विद इन 10 डेज आपको रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जिनका भी स्किल टेस्ट है, वे लोग पूछ रहे थे कब है स्किल टेस्ट, आप लोग नॉर्थ जोन के जिनका भी बचा हुआ था वे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, क्योंकि बाद में हो सकता है कि सर्वर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए अभी डाउनलोड करके रख ले। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका भी नॉर्थ जोन में स्किल टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से स्किल टेस्ट दे के आएँ, और माई बेस्ट विशेस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गोल अचीवर को अपना प्यार देते रहें, और ताकि हम मोटिवेट होएं और आपके लिए अच्छे से अच्छी न्यूज़ ला सकें। और फ्रेंड्स, मैंने कहा था LIC की नोटिफिकेशन आ चुके हैं, मैंने कल ही वीडियो डाला और आज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। तो ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल के लिए बने रहें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और अपना प्यार देते रहें। मैं जल्द ही LIC से रिलेटेड सिलेबस क्या स्ट्रेटजी होगी ये सारे के सारे रिगार्डिंग आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो।